मैं फारूक अहमद प्रेसिडेंट जे एंड के सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन से हूँ, उसका प्रेसिडेंट हूँ मैं। हमारी एसोसिएशन जो है, जो ये आरएनबी पीडब्ल्यूडी पीएचई इरिगेशन, सारी जितने भी सिविल इंजीनियर्स स्टेट को सर्व कर रहे हैं उसकी एक एसोसिएशन है, सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन, उसका प्रेसिडेंट हूँ मैं। जैसा कि आप जानते हैं 24 तारीख को कैबिनेट मीटिंग होगी और उसमें सेवंथ पे कमीशन को लागू किया गया। हम इंजीनियर्स के साथ पिछले दो दहाइयों से ही लगातार ज्यादतियां हो रही है एज फार एज अवर फाइनेंशियल कैरियर इज कंसर्न, एज फार एज अवर सर्विस कैरियर इज कंसर्न। हम गवर्नमेंट को बार बार अपनी प्रॉब्लम्स लेते रहे, उनके नोटिस में लाते रहे, बट कुछ नहीं हुआ। आपको याद होगा 11 फरवरी को जब जे एंड के स्टेट का बजट अनाउंस किया गया, उसमें अनाउंसमेंट की गई कि इंजीनियर्स को एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन दिया जाए, एक रनिंग ग्रेड स्कीम दी जाए। रनिंग ग्रेड स्कीम क्या होती है आप जानते हैं, हमारे सिर्फ 10 या 12 पोस्ट होते हैं चीफ इंजीनियर की, 20 पोस्ट होते हैं ऐसे, लेकिन हम हजारों में हैं। बाकी जो 20 पोस्ट के बगैर बाकी लोग रहते हैं उनके कैरियर के बारे में भी तो सोचना है। गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है और ये मान लिया गया है कि आपको एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम या रनिंग ग्रेड स्कीम जिसको कहते हैं ये दिया जाएगा। लेकिन सरप्राइजिंगली कल जब, और इसका अनाउंसमेंट ये है कि 1 अप्रैल से लागू होगा, 1 अप्रैल 2018, हमारे इस बारे में अभी तक कोई एसआरओ, ऑफिशियल फॉर्मल एसआरओ नहीं निकल रहा है, जिसका हम पिछले दो दहाइयों से इंतजार कर रहे हैं, बार बार जाते हैं, नहीं निकाला जा रहा है। आपको याद होगा केएस जूनियर स्केल के लिए एक एश्योर्ड पेयर कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम अनाउंस की गई है, उसमें क्या होता है कि जब एक केएस ऑफिसर फर्स्ट उसकी जॉब लगती है तो उसको 4800 का ग्रेड पे मिलता है, 10 साल में वो 4800 से 6600 तक की ग्रेड पे पहुंचता है, और हमें कहते हैं आपको 5200 से 5600 तक 10 साल मिलेंगे। वो हमें एक्सेप्ट नहीं है, हमें एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन एज एक्सेप्टेड इन एट पार विद जो हरियाणा एंड पंजाब गवर्नमेंट में इंप्लीमेंट है, या तो उसके मुताबिक या फिर जो इन्होंने केएस के जो अनाउंसमेंट कर दी इसी एनोलॉजी पे ग्राउंड की जाए, पहली बात। दूसरी बात, आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ चीफ इंजीनियर साहिबान बैठे हैं, एसी साहिबान बैठे हैं, सारे हाई प्रोफाइल मतलब ऑफिसर्स हैं, लेकिन हम सब एडहॉक पोस्ट पे काम कर रहे हैं। हमारी रेगुलराइजेशन, हमारा पोस्ट तब तक कोई माने नहीं रखता है जब तक ना हमें उस पोस्ट पे विद इन 6 मंथ्स रेगुलराइज किया जाए। जेई से लेकर चीफ इंजीनियर तक सब पोस्ट की हमारी एनोमलीज है। हमारे चीफ इंजीनियर साहब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का एक ही ग्रेड हुआ करता था, लेकिन आज 2000 का डिफरेंस है। हम चाहते हैं, और इस बारे में हमने पे एनोमली कमेटी को रिप्रेजेंटेशन भी दे दी है, अपना मेमोरेंडम भी दिया है, हम चाहते हैं कि इन एनोमलीज को एक ही बार इस बार रेक्टिफाई किया जाए, हमारी एनोमलीज को दूर किया जाए।